नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन, बोले चेन स्नेची की घटनाओं को रोके बढ़ाए पुलिस पेट्रोलिंग। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अभी लखनऊ ही रहेगा राजधानी का नाम, जब बदलना होगा तो दमदार तरीके से करेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर बोले सीएम योगी, भारत हिंदू राष्ट्र और यहां सब हिंदू, ये मजहब नई सांस्कृतिक शब्दावली है जो सब पर फिट बैठती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 22 फरवरी को पेश होगा बजट, पहले दिन होगा राज्यपाल का भी भाषण। स्वामी प्रसाद बौर पर तलवार से हमला, पुलिस आयुक्त को पत्र लिख संत राजूदास पर लगाया आरोप। पूर्वोत्तर राज्यों से आए विद्यार्थी समूह ने की सीएम योगी से भेंट, मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रवादी भावना की सराहना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कसा तंज, बोली समाजवादी पार्टी का असली नाम साजिशवादी पार्टी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर क्या वार, बोली सपा नेता की श्री रामचरितमानस पर बयानबाजी के डायरेक्टर अखिलेश। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ बयान पर सलमान खुर्शीद ने जताया खेद, हाईकोर्ट ने रद्द की कार्रवाई। स्वामी यतरानंद गिरी महाराज ने मद्दी पर की तल्ख टिप्पणी, कहा मौलाना मद्दी का बयान नरसिंहानंद ने मद्दी को सनातन में आने का दिया न्योता, कहा मुसलमान सनातन में नहीं आते तब तक शांति संभव नहीं। अमेठी तक पहुंची कानपुर की आग, मां बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा पत्र, सपा नेता अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। बुलंदशहर में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही एआरपी, फर्जी ड्यूटी के नाम पर शिक्षक ले रहा पूरा वेतन। हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी ने किया कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण, पुलिस अधीक्षक को पुलिस टीम ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बुलंदशहर के जंगल में एक दर्जन से ज्यादा मृत गोवंश मिले, मृत गोवंश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। कुशीनगर में जेठोवा का फल खाने से 20 बच्चे हुए बीमार, बीमार सभी बच्चों को सीएससी फाजिल नगर में कराया गया भर्ती। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगी जनता अदालत, इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनता अदालत कार्यक्रम के दौरान सुनी जनता की समस्याएं। यूपी मदरसा बोर्ड ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र, मदरसे के बच्चों को पासपोर्ट में आने वाली दुश्वारियां पर लिखा पत्र। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र हुए घायल।
बुलंदशहर में फाल्गुन महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को निगरानी और भ्रमण करने का दिया निर्देश। कानपुर देहात कांड को लेकर योगी सरकार ने किया एसआईटी का गठन, पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। कानपुर में कई राउंड गोली चलने से फैली सनसनी, घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस मौके में मौजूद। यूपी के कई शहरों में ईडी की छापेमारी, सरकारी योजनाओं के लिए मिले धन के गबन के मामले में की गई छापेमारी। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार अचानक पहुंचे कैसरबाग स्थित सेंट्रल इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर प्रशासन सख्त, परिवहन विभाग ने अभियान में कुछ वाहनों को किया गया सीज। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या, दोस्त के साथ कार में थे, फोन आया तो उतरकर बात करने लगी। बांदा में स्कॉर्पियो बोलेरो की टक्कर, चार की मौत, छह घायल, एक बारात से लौट रही थी दोनों गाड़ियां। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष की वाइफ समेत चार सीट, गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग को लेकर हुई थी मारपीट, एनिमल लवर्स को मिली क्लीन चिट। झांसी में फर्जी सीबीआई अफसर गिरफ्तार, हिंदू था, मुस्लिम बनकर रह रहा था, एसपी बोले 50 को ठगने का था टारगेट। लव अफेयर में हुई थी आशीष की हत्या, प्रेमिका के पिता और मंगेतर ने मिलकर मारा, मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में तेंदुओं की दहशत बरकरार, किडारा गांव में 28 जनवरी को दिखा था तेंदुआ। महाराजगंज में पोते ने दादा को मारी 3 गोली, पैसे को लेकर चल रहा था विवाद, नाती के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे 2 लाख। सहारनपुर में 3 सिपाही और थानाध्यक्ष फरार, साल 2013 में पुलिस की 3rd डिग्री से हुई थी पूर्व प्रधान की मौत। रामपुर के उपल होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग, पार्टी के दौरान शराब नशे में हुआ था झगड़ा, छात्रों ने की फायरिंग। सास के सामने दामाद ने पत्नी को मारी गोली, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद, 8 माह बाद आई थी पत्नी। सहारनपुर में हत्या के 4 दोषियों को उम्र कैद, साल 2016 में युवक के पेट में मारी थी गोली। प्रयागराज में लगातार 3री टप्पेबाजी, बारात का स्वागत करने गेट पर खड़े पिता का बैग काटकर टप्पेबाज ने 82,000 रुपए उड़ाए। बिजनौर के एसपी को पैरालिसिस अटैक, मेरठ के सिम में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में नाबालिग नौकरानी से गैंगरेप, मालिक और उसके 2 बेटों पर लगाया रेप का आरोप, कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में एफआईआर। गोरखपुर में 5 अवैध प्लॉटिंग पर चला जीडीए का बुलडोजर, 1 महीने बाद जीडीए ने फिर शुरू की कार्रवाई। और रया में कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान।
फिरोजाबाद में दबंगों ने मामूली बात को लेकर वृद्ध को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में दो मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर, लखनऊ प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर आधारित हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल। कानपुर में चलती कार में लगी आग, आग लगने से धू धू कर जली कार, कार सवारों ने खुद कूद कर बचाई अपनी जान। पत्नी की हत्या में नामजद पति अरेस्ट, मेरठ के एकता नगर में मिली थी विवाहिता की लाश। शामली में परीक्षा के दौरान अनोखी तस्वीर आई सामने, विकलांग बेटे को कंधे पर लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचा पिता। उन्नाव में शादी से लौट रहे पिता पुत्र की मौत, बाइक से घर आ रहे थे, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। वाराणसी पुलिस का माउथ टू माउथ ब्रीदिंग रेस्क्यू, मलबे में दबे मजदूर को 3 मिनट तक मुंह से दिया ऑक्सीजन। शिक्षा मित्र ने छात्रों को तिलक लगाया, जहां खुद पढ़ी उसी स्कूल में पहुंची गुलाब देवी, दिव्यांग को कंधे में बैठा कर परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता। प्रयागराज में गजब है आदेश, शादी में ड्यूटी करेंगे डॉक्टर, शादी समारोह के लिए सरकारी एम्बुलेंस के साथ लगाई ड्यूटी। आगरा में 163 केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षा हो रही है, पहली बार एसटीएफ कर रहा है निगरानी, नकल करने पर लगाई जाएगी रासुका। हरदोई में परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया मुन्ना भाई, प्रवेश पत्र के आधार कार्ड से मिलान कर भागने लगा, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। गाजियाबाद में तेंदुए की दहशत, बंद हुई कोर्ट, वकील चैंबर बंद करके बाहर आए न्यायिक अधिकारी भी घर लौटे। सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला ने झोपड़ी में लगाई आग, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर चार्जशीट, कोर्ट ने चार्जशीट का लिया संज्ञान, जल्द होगी सुनवाई। कौशाम्बी में लव जिहाद हत्यारोपी आरिफ गिरफ्तार, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, मऊ से कौशाम्बी लाकर चंदा का कर रहा था धर्मांतरण। कन्नौज के छिबरामऊ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मृतक एमएलसी बनवारी दोहरे को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीलीभीत में युवक की मौत, शराब की भट्टी के बाहर मिला शव, 9 जनवरी को भाई की भी हो चुकी है मौत। सोनभद्र में तेंदुए की मौत पर सेल्फी लेते रहे लोग, ट्रक की चपेट में आकर गई थी जान, 15 दिन 2 तेंदुओं की हो चुकी है मौत। आगरा में 20 फरवरी से शुरू होगा ताज महोत्सव, शाहजहां के उर्स और सीएम के आगमन के चलते हुए बदलाव। विवाह के पूर्व महादेव को भस्म, गौरा को लगी हल्दी, माता गौरी को भक्तों ने अर्चन कर हल्दी का निभाया रस्म। पूर्व मंत्री याकूब के बेटे फिरोज को गैंगस्टर में जमानत, मीट माफिया के दोनों बेटे जल्द होंगे जेल से बाहर। रिश्वत लेते पकड़े गए बिजली विभाग के टेक्नीशियन और लाइनमैन, एंटी करप्शन ने किया गिरफ्तार।
कन्नौज में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात लेकर हो गए फरार, परिवार गया हुआ था मथुरा। इटावा में स्कूली वैन खड्डे में गिरी, हादसे में छात्राओं समेत 11 घायल, स्कूली वैन के रजिस्ट्रेशन की छानबीन में जुटा प्रशासन। अलीगढ़ में सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत, शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे दोनों, एक 20 दिन पहले बना था पिता। बांदा में धार्मिक स्थल के निर्माण पर भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता, जाम लगाकर किया विरोध, पुलिस ने रोका निर्माण। गोरखपुर विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही, बीएड की परीक्षा का दिन भूल गए अधिकारी, छात्रों ने किया हंगामा। बेटे की हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे पिता को मिली धमकी, अमिताभ ठाकुर ने की कार्रवाई की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोली समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन, का समाजवादी पार्टी सरकार से कार्रवाई की मांग करती है। G20 की तैयारियों को लेकर एक्शन में नोएडा, पहले फेज में शहर का होगा सौंदर्यीकरण। जौनपुर जिला कारागार में कैंसर पीड़ित बंदी की मौत, विजयकांत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा। गाजियाबाद में शादी का झांसा देकर दरोगा ने मुंबई की दो युवती से 2 साल तक किया दुष्कर्म, केस दर्ज। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने पकड़ी 15 लाख की कीमत की प्रतिबंधित ई सिगरेट। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।